अस्सलामुअलैकुम, स्वागत करते हैं वेलकम, खुशामद दे सब लोगों को हमारे सिनेमा फैन एक्टर्स में। आप सब लोग बड़े होंगे, खुश होंगे, अच्छे मूड में होंगे। मैं ब्लॉग होस्ट कुदरत और मैं बहुत सर्दी हो रहा है, मैं हूं साहिल। सर्दी हो रहा है इसको। अच्छा तो नैनो वाले, नैनो वाले ने फुल वीडियो सॉन्ग है पद्मावत। कौन शायद कब अपना रणवीर सिंह और रणवीर सिंह। अच्छा नैनो वाले ने ये वाला कोई मेरे खास सॉन्ग है। अच्छा ये मम्मी को ने बनाया नहीं है एग्जैक्टली, तो आज करेंगे देखते किस तरह का सॉन्ग है। पद्मावत मूवी तो ऐसे भी हिट मूवी थी, तो सॉन्ग देखते हैं। आज के चैनल मटर को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में जो बेल आइकन है उसे लाइक जरूर क्या करें। अगर हम सब फॉलो नहीं किया प्लीज फॉलो इंस्टाग्राम, अपलोड को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमारे साथ मेवाड़ चलेंगे पद्मावत। मेवाड़ चलेंगे ए क्या बात, मतलब ये वो समान है कि प्रपोज अच्छा निहक करेगा मेरे ख्याल से, दिल के तार को छेड़ सब ले गए, मतलब उलझन भी डाल दी ना बेचारे को। तो लग गया, गायब कर लिया। क्या बात, क्या सीन है भाई, जो उसको लगा पग पग डोलो रे हो, पग पग डोलो रे डगमग सी मैं चलती हूँ, जगमग लोसी जलती तेरे नैनो की कैसी मदिरा, थर थर का पूरे खूबसूरत लाइन है ना। ऐसी मोह की दशा मेरा चैन रहे सब साथ ले गया। नैनो वाले ने, छेड़ा मन का प्याला, छलकाई मधुशाला, मेरा चैन रैन नैन अपने साथ ले गया। मान गई। क्या रोमांटिक सॉन्ग ये लोगों ने बनाया कैसे, नहीं मैं हैरान हूँ यार। रोमांटिक सॉन्ग तो एक मिनट में ही निकालो फिर शुरू हो जाता है। नहीं हम लोगों ने बनाया क्यों नहीं थे, कितना अच्छा सॉन्ग था यार ये। ईता सॉन्ग, ईता जो के क्या कहते हैं, मतलब क्या होता है पहला जो मतलब उसको प्रपोज कर रहे हैं पहला, वो किस तरह आप करोगे, मतलब अगर आप इंडिया जाओगे कोई लड़की आपको पसंद आ जाओ तो है। मैं बोलूंगा मेरे साथ नाम भी बोलो, ये दिन भी मैं देख रहा हूँ, बस मेरे पास मेरे साथ चलोगे अफगानिस्तान, इस तरह थोड़ी होता है। इस तरह रोमांटिक अंदाज में इतने तरीके से नाम क्या कब लिया, इसने कहा ना नाम वो जगह शायद नोट नहीं किया। बाकी सॉन्ग पे आते हैं, सॉन्ग जो कि बहुत ही रोमांटिक सॉन्ग था उसका क्या कहते हैं, अच्छा पद्मावत, तो बहुत ही अच्छा सीन था एक्चुअली में, बहुत ही मतलब वो जो सॉन्ग था मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि जो लिरिक्स थे इन्होंने जिस तरह लिरिक्स बनाए हुए थे वो बहुत ही आला थे, बहुत ही जबरदस्त किस्म के इन्होंने लिरिक्स बनाए हुए थे। मैं तो मत सच्ची में गुम गया था इस सॉन्ग में, इनकी केमिस्ट्री भी अच्छी थी ना, मार देता है यहाँ लग जाता है फिर घायल हो जाता है फिर वो कहते हैं, मतलब उसको बिल्कुल सोच भी नहीं होती लेकिन भाई साहब जो है एकदम यहाँ के तारे को जो है छेड़ देता है बस, मतलब एकदम जाती है पिघल जाते हैं दोनों। तो
बहुत ही अच्छा सॉन्ग था, बहुत ही अच्छे लिरिक्स भी थे, सॉन्ग एक्चुअली एक बहुत ज्यादा हिट भी हुआ था, लोग बहुत ज्यादा सुनते थे, सॉन्ग अच्छा था, अच्छी थी, इनके एक्टर्स जो थे सारे अच्छे लिए हुए थे, बहुत ही जबरदस्त सॉन्ग था, हमें बहुत ज्यादा पसंद आया, मेरे सारे लोगों ने भी एंजॉय किया होगा, अगर एंजॉय किया तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल वन रेक्टर, साथ में जो बेल आइकन लाइक जरूर करें, तो चैनल में कितना फॉलो मिल रहे हैं, साथ में के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।